नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द आर्मी क्लासे में। दोस्तों, अगर आपका भी सपना है इंडियन आर्मी में जाने का, अगर आप इस वीडियो को क्लिक करती हो तो आप सभी से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखो, क्योंकि आज के इस क्लास के अंदर हम आपको टॉप 25 इंपॉर्टेंट जीके और जीएस का एक शानदार सा टेस्ट लेंगे, जो कि आपका बिल्कुल आर्मी के नए पैटर्न पर आधारित है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है टेस्ट को पूरा देना है, और इस टेस्ट में कम से कम आपको 22+ का सही जवाब देना है। और वीडियो के लास्ट में मैं आप सभी के एक ऐसा क्वेश्चन पूछूंगा जिसका राइट आंसर आप सभी को HW करके कमेंट करके बताना है, और अगर आपको इसका PDF लेना है तो आपको बता दिया जाएगा आपको PDF कैसे मिलेगा। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है टेस्ट को पूरा देना है। तो चलिए, बिना टाइम वेस्ट करते हुए बढ़ेंगे अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो फर्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा और शानदार क्वेश्चन आपसे पूछा है, क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि हु इज द ऑथर ऑफ द बुक गुलामगिरी। आपको बताना है कि पुस्तक गुलामगिरी के लेखक कौन है। ऑप्शन ए नारायण गुरु, ऑप्शन बी रामाबाई शिंदे, ऑप्शन सी हरिदास ठाकुर, या फिर ऑप्शन नंबर डी ज्योतिराव फुले। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, अगर आपको पता है तो जल्दी से बताइएगा कि गुलामगिरी के रचनाकार कौन है। तो देखिएगा, पुस्तक गुलामगिरी जो लिखा गया है वो आपका ज्योतिराव फुले के द्वारा लिखा गया, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी ज्योतिराव फुले, यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दो नंबर क्वेश्चन की ओर। दो नंबर क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा है कि वेयर इज द सतीश धवन स्पेस सेंटर लोकेटेड। आपको बताने कि सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है। ऑप्शन चार आपके सामने दिया गया है, तो जल्दी से बताना कि सतीश धवन अंतर्राष्ट्रीय केंद्र जो होता है वो कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन है बेंगलोर, बी नई दिल्ली, सी श्रीहरिकोटा, या फिर ऑप्शन नंबर डी विशाखापट्टनम। तो देखिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर जो मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर सी श्रीहरिकोटा बताएं, उनका आंसर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तीन नंबर क्वेश्चन की ओर। तीन नंबर क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा है कि इन विच ईयर वाज द हिंदू विधवा रिमैरिज एक्ट पासड। आपको बताना है कि हिंदू विवाह पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष में पारित हुआ था। ऑप्शन ए 1856, ऑप्शन बी 1858, ऑप्शन सी 1859, या फिर ऑप्शन नंबर डी 1862। जल्दी से बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन बहुत ही सीक्रेट है और टाइम आपको बहुत ही कम मिलेगा, तो जल्दी से बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर है 1856 बताएं, उनका आंसर बिल्कुल ही राइट जगह। अगर आप लोगों से क्वेश्चन मतलब पूछ लिया जाता है कि इसमें सबसे बड़ा किसका योगदान था, तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने महत्वपूर्ण योगदान दिया था, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन, चार नंबर क्वेश्चन की ओर। चार नंबर क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा है कि विच एलिमेंट हैज़ द हाइएस्ट परसेंटेज इन द ह्यूमन बॉडी। आपको बताने कि मानव शरीर में किस तत्व का प्रतिशत सबसे अधिक होता है, कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, या फिर ऑप्शन डी ऑक्सीजन। जल्दी से बताइएगा इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया है, तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर डी ऑक्सीजन बताएं, उनका आंसर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन, पांच नंबर क्वेश्चन को। पांच नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा है कि हु वाज द फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम। आपको बताना कि भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन थे। ऑप्शन चार आपके सामने है, जल्दी से चारों ऑप्शन को पढ़िएगा और इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। आपको टाइम बहुत ही कम मिलेगा, तो जल्दी से इस प्रश्न का राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर है डॉक्टर विक्रम साराभाई बताएं, उनका आंसर बिल्कुल ही राइट रहेगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, छः नंबर क्वेश्चन को। छः नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट लोसांग फेस्टिवल इज ऑर्गेनाइज्ड एवरी ईयर। आपको बताना है कि निम्न में से किस राज्य में प्रतिवर्ष लोसांग महोत्सव का आयोजन किया जाता है। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी नागालैंड, ऑप्शन सी उत्तराखंड, या फिर ऑप्शन नंबर डी सिक्किम। क्वेश्चन बहुत सिलेक्टेड और शानदार पूछा गया है, अगर आपको पता है तो जल्दी से इस प्रश्न का राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी सिक्किम, जो भी ऑप्शन डी लाइव चैट में बताएं उनका आंसर बिल्कुल ही राइट जगह। और देखिएगा लोसांग महोत्सव जो होता है वो आपका भूटिया जनजाति के लोग, कौन से भूटिया जनजाति के लोग मनाते हैं, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन, आठ नंबर क्वेश्चन को। आठ नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा है कि हु इज द फर्स्ट पर्सन टू ट्रेवल इन स्पेस। आपको बताने की अंतरिक्ष यात्रा करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन था। ऑप्शन चार आपके सामने है, जल्दी से बताना कि अंतरिक्ष यात्रा करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे। और मैं आप सभी को बता दूं कि आपने पिछले वीडियो में यानी कि आपने पिछले चैलेंज वाले वीडियो में बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया था, तो मैं उसका और आज का PDF बिल्कुल आपको फ्री में देने वाला हूं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो में पूरा देखो, अगर आपको इस हर क्लास का PDF बिल्कुल फ्री लेना है तो आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो में पूरा देखो। और आप सभी से एक और रिक्वेस्ट करता हूं, वीडियो पसंद आ रहा है तो एक लाइक कर देना है और तीन या चार दोस्तों के पास इस वीडियो को भी शेयर करो। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर है मेजर यूरी गागरिन, यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन, नौ नंबर क्वेश्चन की ओर। नौ नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया कि विच मुगल रूलर बिल्ट द ताजमहल। आपको बताना है कि किस मुगल शासक ने ताजमहल बनवाया था, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, या फिर ऑप्शन डी शाहजहां। मैं आपको जल्दी करवा रहा हूं ताकि आपका टाइम बचे, तो जल्दी से बताना कि किस मुगल शासक ने ताजमहल का निर्माण करवाया था।
तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर डी शाहजहां बताए हैं उनका आंसर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। और देखिएगा ताजमहल जो होता है वो आपका आगरा में स्थित है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन की ओर। 10 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा कि व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ चौक, आपको बताने की चौक का रासायनिक नाम क्या होता है। ऑप्शन है कैल्शियम नाइट्रेट, ऑप्शन बी कैल्शियम कार्बोनेट, ऑप्शन सी कैल्शियम सल्फेट या फिर ऑप्शन नंबर डी कैल्शियम फॉस्फाइड। जल्दी से बताइएगा कि चौक का रासायनिक नाम क्या होता है। जल्दी से क्वेश्चन समझिएगा और इस प्रश्न का राइट आंसर हमें बताना है। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर बी कैल्शियम कार्बोनेट बताए हैं उनका आंसर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। इसका रासायनिक सूत्र की बात करें, अगर आप लोगों से चौक का रासायनिक सूत्र पूछे, यहाँ पर हम लोगों से नाम पूछा है, तब यहाँ पर आपका कैल्शियम कार्बोनेट होगा। अगर आप लोगों से बोले कि चौक का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो चौक का रासायनिक सूत्र जो होता है आपका CaCO3 होता है। क्या होता है? CaCO3 होता है, इसे आप सभी को ध्यान में रख लेना है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन की ओर। 11 नंबर क्वेश्चन बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन आप सभी से पूछा है। क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा है कि इन विच ईयर द फर्स्ट निकोलियर टेस्ट वाज कंडक्टेड इन पोखरण, आपको बताने कि पोखरण में किस वर्ष पहला परमाणु परीक्षण आयोजित किया गया था। ऑप्शन ए 1971, ऑप्शन बी 1972, ऑप्शन सी 1974 या फिर ऑप्शन नंबर डी 1975। जल्दी से बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी 1974 जो भी बताए हैं उनका आंसर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। और पोखरण जो होता है वो आपका कहाँ पर होता है? राजस्थान। कहाँ पर है? राजस्थान में होता है, इसे भी आपको ध्यान में रखना। और देखिएगा इसका कोड का नाम जो था आपका स्माइलिंग बुद्धा था। क्या था? स्माइलिंग बुद्धा था, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन की ओर। 12 नंबर क्वेश्चन आपके पेपर में बहुत बार पूछा गया है। क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि व्हाट इज द फिलामेंट ऑफ अ लाइट बल्ब मेड ऑफ, आपको बताने कि एक लाइट बल्ब का फिलामेंट किस तंतु का बना होता है। जल्दी से बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आप सभी फौजी भाई को आता होगा। तो जल्दी से बताइएगा कि एक लाइट बल्ब का फिलामेंट जो होता है वो किस तंतु का बना होता है। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर सी टंगस्टन बताए हैं उनका आंसर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से ये पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स हैज बीन रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद, आपको बताना है कि निम्न में से कौन सी पुस्तक है मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई है। जल्दी से बताना कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा बुक है जो मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया है। गोदान, रंगभूमि, ऑप्शन सी गब्बन या फिर ऑप्शन डी इनमें सभी। तो देखिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी इनमें सभी यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा, क्योंकि गोदान, रंगभूमि और गबन जो होता है आपका सभी जो है वो मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन की ओर। 14 नंबर क्वेश्चन बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है। क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज हरियाणा हरिकेन, आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन हरियाणा हरिकेन के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन ए कपिल देव, ऑप्शन बी विजेंद्र सिंह, ऑप्शन सी साइना नेहवाल या फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताइए कि हरियाणा हरिकेन के नाम से किसे जाना जाता है। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो मेरे फौजी भाई ऑप्शन ए कपिल देव बताए हैं उनका आंसर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन की ओर। 15 नंबर क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन आप लोगों से पूछा कि द व्हाइट डेजर्ट इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया, आपको बताने कि सफ़ेद रेगिस्तान जो होता है वो भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस में स्थित है। आपको बताने कि सफ़ेद रेगिस्तान जो होता है वो भारत के कौन से राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी सिक्किम, ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर या फिर ऑप्शन नंबर डी तमिलनाडु। आपको टाइम बहुत ही कम मिलेगा, तो जितना जल्दी हो सकता है इस प्रश्न का राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर ए गुजरात बताए हैं उनका आंसर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। जो भी ऑप्शन ए गुजरात बताए हैं उनका उत्तर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। गुजरात के कच्छ जिले में कच्छ जिले में सफ़ेद रेगिस्तान पाया जाता है, इसे आपको ध्यान में रख लेना है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन की ओर। 16 नंबर क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि हु गिव द टाइटल ऑफ गुरुदेव टू रविन्द्रनाथ टैगोर, आपको पता नहीं कि रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने दी थी। ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक या फिर ऑप्शन नंबर डी लाला लाजपत राय। जल्दी से बताइए कि रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसके द्वारा दिया गया था। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो मेरे फौजी भाई ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी बताए हैं उनका आंसर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन को। 17 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है और ये क्वेश्चन आपके 1 नवंबर 2020 के इंडियन आर्मी जीडी के पेपर में पूछा भी गया था। क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा गया है कि हाउ आर टू बोन्स कनेक्टेड इन द ह्यूमन बॉडी, आपको बताने कि मानव शरीर में दो हड्डियाँ आपस में कैसे जुड़ी रहती हैं। जल्दी से बताइएगा कि जो मतलब कि मानव शरीर में हमारा जो दो हड्डियाँ होता है वो आपस में कैसे जुड़ा होता है। जल्दी से बताइएगा इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन मैंने आपको दो या तीन बार करवाया है, तो जल्दी से बताइएगा इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा।
तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर डी लिगामेंट्स बताए हैं उनका आंसर बिल्कुल ही राइट है। जब भी आपको टू बोन्स कनेक्ट देखने को मिलेगा तो आपको करना है लिगामेंट्स करना है, ऑप्शन डी यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन की ओर है। 18 नंबर क्वेश्चन भी आपके पेपर में बहुत बार पूछा गया है। क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि विच स्टेट ऑफ इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जूट। आपको बताना है कि भारत का कौन सा राज्य जूट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, उड़ीसा, बिहार, झारखंड या फिर ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। जल्दी से बताइएगा इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर डी पश्चिम बंगाल बताए हैं उनका आंसर बिल्कुल ही राइट रहेगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन की ओर। 19 नंबर क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा है कि व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स। जल्दी से बताइए कि बल का एसआई यूनिट क्या होता है। जल्दी से बताना कि फोर्स यानी कि बल का एसआई यूनिट क्या है। ऑप्शन है पास्कल, बी न्यूटन, सी केल्विन या फिर ऑप्शन नंबर डी वोल्ट। और आप सभी फौजी भाइयों से रिक्वेस्ट करता हूँ आप कॉमेंट करके एक बार जय हिंद जय भारत जरूर लिखेगा। आपको लाइव क्लास खत्म होने के बाद आपको कॉमेंट में जय हिंद जय भारत कमेंट जरूर करना है और कम से कम 3 या 4 दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर करो ताकि हमें भी कुछ सपोर्ट मिल सके। मैं आपसे कुछ नहीं मांगता, बस आप सभी से रिक्वेस्ट है चैनल पर करना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को कम से कम 3 या 4 दोस्तों के पास है या अगर आपके पास कोई व्हाट्सएप ग्रुप है तो आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हो। तो देखिएगा जल्दी से बताइए कि बल का एसआई यूनिट क्या होता है। तो बल का एसआई यूनिट जो होता है वो आपका न्यूटन होता है। ऑप्शन भी यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन की ओर। 20 नंबर क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा है कि व्हेन वाज द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडियन एस्टैब्लिश्ड। आपको बताना कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब किया गया था। जल्दी से बताना कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कौन से साल में किया गया था। ऑप्शन है 1935, ऑप्शन बी 1947, ऑप्शन सी 1950 या फिर ऑप्शन नंबर डी 1952। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी 1950 यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन की ओर। 21 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि वे नीचे नेशनल वोटर्स डे सेलिब्रेटेड। आपको बताने कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन है 15 जनवरी, तो बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन को। 21 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि वे नीचे नेशनल वोटर डे सेलिब्रेटेड। आपको बताने कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन है 15 जनवरी, ऑप्शन बी 15 फरवरी, ऑप्शन सी 25 फरवरी या फिर ऑप्शन नंबर डी 25 जनवरी। जल्दी से बताइए कि राष्ट्रीय वोटिंग डे यानी कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी 25 जनवरी यहां पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर क्वेश्चन की ओर है। 22 नंबर क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा है कि बाई व्हाट नेम इज द टॉम ऑफ राजीव गांधी नोन। आपको बताने कि राजीव गांधी की समाधि किस नाम से जानी जाती है। ऑप्शन 4 आपके सामने है, तो जल्दी से बताइए कि राजीव गांधी की समाधि स्थल जो होता है वो किस नाम से जाना जाता है। बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन आप सभी से पूछा है और ये क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी को HW करके कमेंट करके बताना। ये क्वेश्चन मैं आप सभी को HW करके बता रहा हूं तो आप सभी से रिक्वेस्ट है इसका राइट आंसर HW करके कमेंट करके बताना कि 22 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर क्वेश्चन की ओर। 23 नंबर क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा है कि हु इज द ऑथर ऑफ द बुक स्टेट ड्राइव। आपको बताना कि स्टेट ड्राइव पुस्तक के लेखक कौन है। ऑप्शन है सुनील गावस्कर, ऑप्शन बी विश्वनाथ आनंद, ऑप्शन सी कपिल देव या फिर ऑप्शन नंबर डी प्रकाश पादुकोण। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए सुनील गावस्कर यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट रहेगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर क्वेश्चन की ओर। 24 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि व्हाट इज द नेम ऑफ जापान्स करेंसी। आपको बताना है कि जापान की मुद्रा का क्या नाम होता है। जल्दी से बताइए कि जापान की मुद्रा का नाम क्या है, डॉलर, युआन, येन या फिर ऑप्शन डी रूबल। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी ये ने यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट रहेगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन को। 25 नंबर क्वेश्चन हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है और आप सभी से फौजी भाइयों से एक रिक्वेस्ट करता हूँ जाते जाते एक एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और कॉमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिख कर जाना है। देखिएगा 25 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि मनुष्य शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है और ये क्वेश्चन आपके GD में 2017 के पेपर में पूछा भी गया था। जल्दी से बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर है डायलिसिस यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो दोस्तों आज की क्लास हमारे पर खत्म होता है। आप सभी से रिक्वेस्ट है कमेंट करके बताइएगा कि आपका टॉप 25 इंपॉर्टेंट जीके जिस के टेस्ट में कितना क्वेश्चन सही होता है। कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर बता दीजिएगा और जय हिंद जय भारत का नारा जरूर लगाना है। अगर आपको इस क्लास का PDF लेना है और पिछले क्लास का PDF लेना है तो आप हमारा व्हाट्सअप ग्रुप है या फिर टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। लिंक आप सभी को मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आप सभी से रिक्वेस्ट है जय हिंद जय भारत का नारा जरूर लगाना है। और मैंने जो आप लोगों से HW के लिए क्वेश्चन पूछा उसका भी राइट आंसर आपको कमेंट करके बताना। दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद जय भारत।